नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? आशा है कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 1.1 और 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। उसको आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो 3 और 4 प्रश्न का। तो देखिए, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 यानी कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, लगभग हर बार आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमसे इसमें पूछा गया है कि √5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, √5 किसके बराबर होगा? तो ये 2 का वर्ग + 1 का वर्ग। तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 का वर्ग यानी कि 4 + 1 का वर्ग यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा, √5। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि जब त्रिभुज बनेगा तो उसके एक भुजा का मान 2 इकाई और एक भुजा का मान 1 इकाई, तो इसको हम मान लेंगे आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर √5 की जगह पर √3 दिया होता, तो इसको आप किस प्रकार से दिखाते? देखिए, इसको हम इस प्रकार से दिखाते कि सबसे पहले हम क्या करते, इस तरह से, और फिर इसके बाद 1 का वर्ग करते। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 + 1 का वर्ग 1। तो कितना आ जाएगा, √3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक भुजा 2 इकाई लेनी पड़ेगी और एक भुजा 1 इकाई। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम संख्या रेखा बनाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने संख्या रेखा बना लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमारा जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी है, 2 इकाई और 1 इकाई। तो ये तो हो गई आधार और ये हो गया लंब। तो आधार यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इकाई, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 2 इकाई। तो ये हो गया हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम ओ और इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये हो गया ओ और क्यू बिंदु। अब देखिए, हमको लंब कितना लेना है, 1 इकाई, तो इसलिए यहाँ से हम लंब खींचेंगे एक। तो ये हमने लंब खींच लिया। अब देखिए इसमें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इकाई लंब है, तो इसलिए 1 इकाई पर यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो ये हमने चाप लगा लिया। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु को हम यहाँ पर मिला देंगे। और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम P। तो इस प्रकार से हमारा बन गया त्रिभुज OPQ। अब देखिए बच्चों इसमें कि ये जो कर्ण है ये आधार और लंब के बराबर होगा, तो इस प्रकार से ये कैसे बराबर हो सकता है? देखिए, ये कौन सी भुजा है, OP, तो OP बराबर होगा किसके, √OQ² + PQ² के। तो देखिए यहाँ पर OQ² कितना है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर + ये कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा, √5। तो यहाँ पर ये हमने प्राप्त कर लिया √5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए आगे इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ओ को केंद्र मानते हुए यहाँ तक हम प्रकार खोलेंगे और त्रिज्या मानते हुए हम इस संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे। तो ये हमने चाप लगा दिया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब जहाँ पर ये बिंदु को काट रहा है यहाँ पर, यही हमारा हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे हम बिंदु R, और यही हमारा हो जाएगा √5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज OPQ में।
और यहाँ पे लिख देंगे कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं अपना प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में देखो बच्चों क्या है कि इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। तो क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार से है, ये कक्षा का क्रियाकलाप है, इसको मैं आपको रफली समझा देता हूँ। देखिए क्या है इसमें कि यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या रेखा दी हुई है, जैसे मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब इस प्रकार से एक इकाई को लेते हुए हमें क्या करना है कि यहाँ पर समकोण लंब खींचना है और यहाँ से इन दोनों को एक इकाई मानते हुए यहाँ पर एक चाप लगा देनी है और इसको मिला देना है, ठीक है। ये हो जाएगा वर्गमूल 2। अब फिर इसको केंद्र मानते हुए एक और यहाँ से ऐसे चाप लगा देनी है और एक इकाई यहाँ पर चाप लगा देंगे और इसको फिर मिला देंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 3। फिर इसको केंद्र मानते हुए एक और लंब खींचेंगे और एक इकाई खोलकर यहाँ पर चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4। इसी प्रकार से अब यहाँ पर केंद्र मानते हुए एक लंब खींचेंगे और एक इकाई पर चाप लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, यही है वर्गमूल सर्पिल, ठीक है बच्चों। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा प्रयास, आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा देना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।